संबल मिलेगा। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, आपने ट्विटर तो सुना होगा जो वर्तमान में एक्स हो गया जब से एलन मस्क ने खरीदा। तो अभी आपको यह समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है उसने उसका भी खुद का ट्विटर हैंडल है जो कि एकदम ऑफिशियल है। कल रात 9:30 बजे के आसपास उस पर एक खबर आई, ये खबर आप इधर देखिएगा। इस खबर में क्या लिखा हुआ है, इस खबर में लिखा हुआ है कि आपके जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो आप अलग अलग भर्ती बोर्ड से क्वेश्चन करते रहते हैं, उनको एक साथ भर्ती बोर्ड ने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के माध्यम से आपको सवालों का जवाब दिया है। ये वो सवालों के जवाब है जो सवाल अक्सर भर्ती बोर्ड से होते रहते हैं। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट खुल जाती है। आप अगर सीधा भी जाना चाहें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, तो गूगल तो आप सबको चलाना आता है। गूगल पे आपने क्या किया कि गूगल पे आपने यूपी पीबीपीबी करके, जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड डालोगे, बिल्कुल नीचे आओगे यहां पर साइड में क्विक लिंक में, तो दूसरे नंबर पर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन करके आपको लगभग ये 12 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आ जाते हैं इसमें, लोगों ने अपने अलग अलग क्वेश्चन पूछे। जैसे एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती का कैलेंडर कब तक जारी होगा। यह अपने आप में बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में कैलेंडर जारी किया जाए। तो जवाब आया है कि उच्चयन वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अधियाचनों के आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कराया जा रहा है, शीघ्र जारी किया जाएगा। पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज यहां पर आपसे पूछी, पुलिस आरक्षी के पदों पर, आरक्षी का मतलब होता है कॉन्स्टेबल के पदों पर आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहां पर आ जाता है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 41,811 पद, पीएसटी के 10,984, ठीक है, फायरमैन के 1,007, जेल वार्डर के 2833, जेल वार्डर के 2833, आरक्षी विशेष सुरक्षा के 1341, महिला बटालियन हेतु 761 पदों पर भर्ती हेतु अध्याचन प्राप्त हुआ है, परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा, परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जुड़े रहे। अब यहां पर एक चीज आपके दिमाग में जरूर कोंधनी चाहिए, आपके दिमाग में एक चीज बहुत आनी चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस सिविल पुलिस होती है जिसमें महिला पुरुष दोनों के लिए फॉर्म निकलते हैं, 41,811, 10,984, 1,007, 2833, ठीक है, और आरक्षी जो विशेष महिला बटालियन है सुरक्षा 761। एक काम करो, अपने कैलकुलेटर में इनको जोड़कर देखो, 41,811 प्लस 10,984 प्लस 1,007 प्लस 2833 प्लस 761, तो आपके सामने दिखेगा कि 57,000 से अधिक ये वैकेंसी है। 41,811, 10,994 फायरमैन के 1,007, जेल वार्डर के 2833, आरक्षी विशेष सुरक्षा के 1341, ये 1341 मैंने भी नहीं जोड़े, और 761 ये महिला बटालियन हेतु आरक्षी विशेष सुरक्षा जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। कुल मिला के जो पदों की संख्या होगी कॉन्स्टेबल उसके समकक्ष, याद रखिएगा, 58,737 पदों पर भर्ती बोर्ड को अध्याचन प्राप्त हो चुका है। तो जो 52,699 हम लोग कह रहे थे उससे भी ज्यादा पदों पर 58,737, मैं खुद से नहीं बता रहा, खुदा भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, इस बार जितनी वैकेंसी आनी है ज्यादा से ज्यादा आ जाए, क्योंकि 4-5 साल से उत्तर प्रदेश में पुलिस की कोई भी भर्ती नहीं आई है। भर्ती बोर्ड कहता है कि हमने 1.5 लाख पद किए हैं,
गुणा भाग करके वो उसको बता भी देता है। लेकिन यह असल सत्य है कि पांच साल में कोई भर्ती नहीं आई है, 52,699 पदों पर आनी थी। लेकिन अगर आप इनके इस विज्ञापन को, आप इनकी वेबसाइट पर इस क्वेश्चन का उत्तर देखोगे तो आरक्षी नागरिक पुलिस के 41,811, आरक्षी पीएससी के 10,984, फायरमैन के 1,007, जेल वार्डर के 2,833, 1,341 स्पेशल फोर्स और 761 महिला बटालियन, कुल मिला के 58,733 पदों पर भर्ती होगी। कितने पदों पर भर्ती होगी? 58,733 पदों पर साथी भर्ती होगी। इस बात को आप लोग सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन लें, 58,733 पदों पर, है ना ये बड़ी खुशखबरी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दुनिया भर में सर आपने ये बोला था तब हुआ तब नहीं हुआ, जो खबर आती है उसी खबर को आप तक पहुंचाते हैं, उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं पहुंचा रहे, जितनी यहां पर दे रखा उसी को जोड़कर तो बता रहा हूं। यह भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर है, कल ही अपडेट हुआ पहली बार। इस बार जो भर्ती बोर्ड की अध्यक्षा बनी है वो बहुत ही काबिल अफसर मानी जाती है, तो भर्ती प्रक्रिया सेफ भी होगी, नकल रहित भी होगी और जल्दी भी उनकी पूरी कोशिश है कराने की। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि यदि अब भी आप बहाने बनाते रहोगे, अब भी आप केवल किसी ना किसी बात को लेकर आप केवल टालते रहोगे, अरे अभी तो आई नहीं है, अभी तो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर दिखा रहा है, तो किसी दिन इसका विज्ञापन आ जाएगा, टेंडर आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और एडमिट कार्ड आ जाएंगे, पेपर हो जाएगा। कोसने वाला सदैव कोसता रहता है, यही हुआ था एकलव्य के साथ। यदि द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी तो चाहता तो छोड़ देता पढ़ाई लिखाई, चाहता तो कोसता रहता, लेकिन उसने क्या चुना? उसने चुनी तैयारी, उसने चुनी मेहनत, उसने चुना संकल्प और देखो वो एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम सबके पास चॉइस है, अब चाहे तो आप बहाने बनाते रहे, चाहे तो आप काबिल होकर पढ़ाई कर ले। इसका सिलेबस, प्रक्रिया, क्या एग्जाम होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, प्रॉपर एक एक चीज आपको वीडियो बनाकर बता चुके और बता देंगे दोबारा। अब तैयारी के ऊपर है, मैं आपसे फिर से